तो गाइस इंडिया का सबसे अंडररेटेड यूट्यूबर आ गया इस हाउस को थाउजेंड्स ऑफ वार्डन से बचाने के लिए। ओ यस, लेकिन आयुष तुम अपने आप को अंडररेटेड इसलिए बोल रहे हो ना कि तुम्हारे ऑलमोस्ट 8 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी तुम्हारी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती है। हाँ दी, वही तो यार मोर गैंग, अब तो तुम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोग इतने फनी एनिमेशन शॉर्ट्स बना रहे हैं, माइनक्राफ्ट में इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं। यार एनिमेशन बनाना कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी यूट्यूब हमें भाव नहीं दे रहा है। अब तो तुम लोग को ही अपना पावर दिखाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन पे रखो और लाइक करो। यार कैसा हो सकता है वीडियो पे जितना व्यूज आ रहे हैं उतना लाइक्स भी हम लोग देख पाए। अरे हमारी मोर गैंग करे ना तो सब कुछ पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि वार्डन से सब लोग लड़ सके। अरे हाँ, हम लोग लड़ क्यों नहीं पाएंगे, हम लोग अपना बेस्ट डिफेंस बनाएंगे यहाँ पे। लेट्स गो। हाँ ये तो मुझे पता है कि हम लोग बेस्ट डिफेंस बनाएंगे, तो चलो। यस, अभी हम लोग अपना पहला लेयरिंग कर देते हैं। मुझे लगता है हर बार हम लोग ग्राउंड को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार नहीं, इस बार वार्डन है तो हम लोग चारों तरफ से वॉल बना देते हैं और एक तरफ से हम लोग खाली छोड़ देंगे। हाँ ये बहुत सही आइडिया है कि एक तरफ से खाली अगर छोड़ेंगे तो उनको बहुत मजा जगाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। हाँ ऐसे तो हम लोग एक्चुअली पूरा भी बंद कर सकते हैं, उनको आने ही नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो लोग अंदर आए, क्योंकि अगर हम लोग उन्हें कभी हराएंगे ही नहीं तो वो लोग बार बार आते रहेंगे, उनकी हिम्मत होती रहेगी बार बार आने की। तो एक बार में हम उन्हें आने देंगे और हरा के यहाँ से भगा देंगे, तो जिंदगी में कभी हिम्मत ही नहीं दिखाएंगे। यस, तो चलो फिर हम लोग अपना फर्स्ट लेयर ऑब्सीडियन का वॉल बना देते हैं चारों तरफ। ओके। आगे की तरफ से हम उन्हें आने देंगे तो हम पीछे का पूरा पैक कर देते हैं। वार्डन 3 ब्लॉक से ज्यादा हाइट का तो होता है नहीं, तो 3 ही काफी रहेगा। अच्छा 3 ब्लॉक तो बनाना है, वो उड़ तो सकता है नहीं वैसे भी, तो 3 ब्लॉक काफी है। ओके। ये वॉल तो बन ही रहा है, बट थैंक यू यार इतने प्यारे प्यारे फैन आर्ट्स भेजने के लिए, तुम लोग बहुत ही मस्त हो यार। अगर तुम लोग को भी मुझसे पर्सनल कनेक्शन बनाना है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ हम लोग सब बहुत मजे करते हैं। एंड थैंक यू सो मच रुचि जी और प्राची जैन जिन्होंने इस हफ्ते में चैनल मेंबरशिप ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच गाइस। तुम लोग भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो चैनल मेंबरशिप लेके, नहीं तो तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद नीचे से कमेंट कर दो, मैं किसी भी रैंडम विनर्स को शाउट आउट देता हूँ, जैसे कि आज की विनर्स है ये 3 कमेंट्स, तो बराबर से कर देना। अभी हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो हम लोगों ने बाउंड्री बना दी है, यहाँ से वार्डन घुसेंगे और यहाँ पर अपना ट्रैप शुरू हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उनका स्वागत हम लोग पफर फिश से करने वाले हैं। ओके नाइस, बहुत मारेंगे यार पफर फिश ने। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं होल, यहाँ पर हम डाल देते हैं इस तरीके से बहुत सारे पफर फिश। यार मैंने तो इसके अंदर बहुत सारे पफर फिश डाल दिए, आयुष वार्डन तो बचेंगे ही नहीं। यस, अभी पफर फिश को तो वो लोग एक ही सेकेंड में क्रॉस कर देंगे, तो हम लोग उनको यहाँ रोकने के लिए यहाँ सेकेंड में यहाँ कैक्टस का लेयरिंग कर देते हैं। ओ नाइस आइडिया, मैंने इसके अंदर बहुत सारे पफर फिश डाल दिए। यस, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सैंड ताकि हम लगा सके कैक्टस। तो यहाँ पर देखो हम लोग इस तरीके से कैक्टस भी लगा देंगे, तो वार्डन यहाँ पर पूरी तरीके से फंस जाएगा, देखना बहुत मजा आएगा। अब क्या होगा, वार्डन आएगा और यहीं पर वो अटक जाएगा, इतना तो भारी होता है वो, तो यहाँ पे पफर फिश से मार खाएगा। नाइस आइडिया यार, ये तो बहुत सही लग रहा है मुझे, स्टार्टिंग ही बहुत गजब का है। यस, और फिर भी अगर वो इसको क्रॉस कर लेता है तो हम लोग अपनी एक आर्मी छोड़ेंगे। ओके, कौन सी आर्मी वैसे? आर्मी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वार्डन एक बार में एक ही को मारता है, तो अगर हम लोग उसके पीछे बहुत सारे मॉब्स फेंक देंगे तो सारे के सारे एक साथ वार्डन पे हमला करेंगे। ओके सही है। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देते हैं जिसके अंदर में हम बहुत सारा फिर आयरन गोलम स्पॉन कर देंगे। ओके मैं इस साइड में बनाती हूँ। यहाँ पर हम लोग आयरन गोलम को स्पॉन करेंगे, लेकिन वो कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग फैंस का गेट बनाएंगे और नीचे में लगा देंगे स्टिकी पिस्टन, और फिर जैसे हम लोग लीवर दबाएंगे फैंस नीचे हो जाएगा। ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी किया था। ओ हाँ, अरे ये तो बहुत सही आइडिया है आयुष। तो जैसे ही फैंस निकलेगा आयरन गोलम यहाँ पर आकर वार्डन से फाइट लेने लग जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं स्टिकी पिस्टन नीचे की तरफ से, और फिर हम लोग यहाँ पर बाहर में लगा देते हैं रेडस्टोन, और फिर इसको यहाँ पर ले जाते हैं और पीछे में हम लोग यहाँ पर लीवर पुल करने वाला लगा देंगे। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा वैसे कर दिया है कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हम लोग इसको नीचे कर देते हैं। तो गाइस ये हम लोगों ने फेंस कर दिया है रेडी, जब तक ये फेंस ऑन रहेगा तब तक आयरन गोलम अंदर में रहेंगे, नीचे कर देंगे ताकि जाके वो वार्डन से फाइट ले। तो यहाँ पर हम बहुत सारा आयरन गोलम स्पॉन कर देते हैं। लेट्स गो, आयरन गोलम आज तुम लोग की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोग बहुत सारे स्पॉन करेंगे, थोड़े से कुछ नहीं होगा। वही तो यहाँ पे तो मैं बहुत सारे आयरन गोलम को स्पॉन कर रही हूँ और मैं यहाँ सेकंड वाले पे बना रहा हूँ। ओके ये तो बहुत सही है, हमारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन।
तो गाइस यहाँ पे भी फेंस हो गया रेडी। अभी यहाँ पर हम आयरन गोलम स्पॉन कर देते हैं। मैंने तो काफी स्पॉन कर लिया यहाँ पे आयरन गोलम को। यस दी, हम लोग का यहाँ पर तो ये बहुत ही ओपी वाला सेटअप हो गया है। तो ये अपने देखो अभी तक का तो सेटअप काफी एपिक लग रहा है। वार्डन का घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यार वो वार्डन है, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग अभी और ट्रैप्स लगाएंगे। ओ यस, तो आगे क्या करने वाले हैं? आगे तो वही सबसे जरूरी तो है कि हम लोग यहाँ पर उसे स्पेक्ट्रल एरोज मारे, क्योंकि वो आते ही अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा में तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा ना। नाइस आइडिया, एकदम सही बोला। स्पेक्ट्रल एरो मारना तो बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रल एरो की मदद से उसके चारों तरफ की हमें बाउंड्री दिखेगी, तो हमें स्पेक्ट्रल एरो का यहाँ पे मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो अभी हम ले लेते हैं डिस्पेंसर और फिर हम ले लेते हैं बहुत सारे स्पेक्ट्रल एरो, और यहाँ से वो आएंगे अंदर में, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरफ फेस करते हुए। तो यहाँ पर हम दो लेयरिंग लगा रहे हैं डिस्पेंसर्स की, ताकि बिल्कुल भी हम जगह न छोड़े। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्पेंसर लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं रिपीटर, ग्लास ब्लॉक यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि वो ऊपर वाले से हम उसको कनेक्ट कर सके, और फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे करके जोड़ देंगे। तो ये हम लोग का डिस्पेंसर वाला रेडी हो गया। हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया, हम लोगों ने दो दो डिस्पेंसर लगाए और उन दोनों को यहाँ पे रेडस्टोन से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। हाँ आयुष, ओके, अभी हम लोग अंदर में पूरा स्पेक्ट्रल एरोस भर देते। ओ दीदी, तुमने पहले ही भर दिया यार, वेरी नाइस। मैं काफी में तो भर चुकी हूँ। ओके, मैं भी जो बच्चे कुछ उनमें भर देता हूँ। अरे एक बात तो बोलना पड़ेगा, ये हमारा सेटअप काफी अमेजिंग हो रहा है। यस, अगर स्पेक्ट्रल एरोस नहीं होगा तो हमें वार्डन दिखेगा ही नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो सब लोग भूल जाते हैं। पर हम लोग कैसे भूलेंगे यार, हम लोग बहुत प्रो डिफेंस बनाते हैं। यस, एकदम सही। तो ये हम लोगों ने सारे में स्पेक्ट्रल एरोस भर दिए हैं गाइस। यार ये तो बहुत सही हो रहा है। अब आगे क्या करेंगे आयुष? अभी देखो क्या होगा, जब हम लोग इतने सारे एरोस एक साथ फेंकेंगे ना, तो बहुत सारे गंदे एरोस भी नीचे गिरेंगे जो लगेंगे नहीं। ओके, सारे नीचे एरोस इतने अच्छे नहीं लगेंगे और पीसी लैग होने का भी चांसेस रहता है। तो वो सारे अनयूज्ड एरोस जो नीचे ऐसे ही गिरेंगे, उस सबको हम अपने आप हटा सकते हैं कमांड की मदद से। अरे यार ये तो बहुत सही आइडिया है आयुष। यस, तो चलो अभी हम लोग वही करते हैं। तो ये हम लोगों ने कमांड ब्लॉक मंगा लिया है, अभी हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो गाइस ये है वो कमांड जो हमें डालना था, हम लोगों ने इसे रिपीट और ऑलवेज एक्टिव पे सेट कर दिया। और अब देखो, ये देखो सब गायब हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर करें, वो सारे गायब हो रहे हैं। कितना कूल है ना। अरे यार बहुत सही है ये आयुष। यस, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि बार बार हम इसे ऑन नहीं कर सकते, तो हमें कंपैरेटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लोगों ने क्लॉक बना लिया। अब जैसे हम इसे ऑन करेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे ना, तो ये ऐसे निकलेगा। ओहो, इसे हम बंद कर देते हैं, बहुत सारे एरोज निकल गए हैं। ओके दी, तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट लेयरिंग करते हैं। ये तो ओपी वाला हो गया है। अभी क्या करना है? वैसे देखा जाए तो आयुष, हमने जो भी डिफेंस बनाया है वो बिना मॉड के बनाया है। ओ यस, ये तो मैंने तुम लोगों को बताना ही भूल गया कि हम लोग सारे के सारे जो भी डिफेंस कर रहे हैं ना, वो सब बिना मॉड के कर रहे हैं। तभी तो एक रियल माइनक्राफ्ट वाला फील आएगा। वही तो, यही तो मुझे बेस्ट लगा। यस, अगर तुम लोगों को चाहिए तो हम लोग मॉड वाला भी कर सकते हैं, वो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। मेरे को बताना कमेंट में। हाँ तो कमेंट करके बता देना। तो अभी अपन नेक्स्ट लेयरिंग करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग सोचते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत बुद्धि लगा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। आयो एक काम करे, इसमें कॉबवेब लगाए क्या? हाँ, कॉबवेब से वार्डन बहुत स्लो हो जाता है। है ना सही आइडिया। हाँ, कॉबवेब लगा के हम लोग उसके ऊपर कुछ थ्रो का लगाते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा। एकदम सही आइडिया है। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में कॉबवेब ठूस देते हैं, और नीचे में हम सोल सैंड लगा देते तो और गजब। सोल सैंड पे भी स्लो हो जाता है और कॉबवेब पे भी स्लो हो जाएगा, तो और आएगा। वैसे सोल सैंड के ऊपर में कॉबवेब लगता है क्या? ये मैंने कभी देखा नहीं है। चलो देखते हैं, भी यहाँ पे लगाओ तो कॉबवेब लगता है क्या इसके ऊपर? ओके, लगता है। अरे यार ये तो डबल स्लोनेस हो जाएगा, मजा आएगा एकदम। अरे चल ही नहीं पा रही हूँ मैं, फंस गई। अभी सोल सैंड पे स्लो और फिर कॉबवेब पे भी, ये तो डबल डबल मजा है। तो मैं सोल सैंड लगाता हूँ, तुम कॉबवेब लगाओ। ओके, मैं इसमें खुद फंसूंगी। वो हम लोग लास्ट पे अपने लिए जगह रख देते हैं, नहीं तो हम लोग वहाँ जाके डिस्पेंसर कैसे ऑन करेंगे। दिस इज टीम वर्क गाइस, टीम वर्क। अरे टीम वर्क ही जरूरी है ब्रो। यस, हम लोग इतने बड़े वार्डन से लड़ रहे हैं, टीम वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग एक्चुअल फाइट लेंगे, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं दिखाएंगे। तो ऐसा कितना लेयर लगाना है आयुष कॉबवेब का? कॉबवेब का हम लोग काफी लेयर लगाएंगे, तीन से तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग कम से कम 5-6 तो लगा ही देते हैं। तो गाइस मुझे भी सपोर्ट करो यार, मैं सिर्फ एक अकेली गर्ल गेमर हूँ जो माइनक्राफ्ट खेल रही हूँ। तो मुझे भी सपोर्ट करो मेरे चैनल पे एकता मोर। यस गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। माइनक्राफ्ट की ओनली गर्ल गेमर है यार जो बना रही है, इसलिए प्लीज सपोर्ट करो मुझे। वैसे यहाँ पे ये कॉबवेब लगाना बहुत सुंदर लग रहा है।
हाँ बहुत ही प्यारा प्यारा सा फील दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्लावर्स लगाए हैं। तो दी यहाँ पे हम लोगों ने कॉबवेब लगा दिया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग उनके ऊपर कुछ बारिश कर देते हैं। नाइस आइडिया, क्या चीज का बारिश करने का वैसे सोचा तुमने? हम लोग हार्मिंग पोशन का बारिश कर देते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे बहुत सही आइडिया है, क्योंकि आग से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है वार्डन को। यस, तो फायर बॉल तो काम नहीं आएगा, वो लोग जब ऐसे ही फंस जाएंगे तो हम लोग उनके ऊपर पोशन की बारिश कर देंगे यार। तो चलो अभी हम लोग ऊपर में डिस्पेंसर सेटअप कर देते हैं, जैसे ही वो लोग आएंगे यहाँ पर उनके ऊपर पोशन की बारिश होगी। ओके, तो इस लेवल पे यहाँ हम लोग पूरा कवर कर देते हैं। ओके, मैं कर रही हूँ। तो ये गाइज यहाँ पर हम लोग इस तरीके से डिस्पेंसर लगा देते हैं, बहुत मजा आएगा जब देखेंगे तब। और यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे डिस्पेंसर इस तरीके से भर दिया, बहुत मजा आएगा यार। अब इसके अंदर में पोशंस भरना है ना? यस, लेकिन पहले ऊपर में हम कनेक्शन कर देते हैं, और यहाँ पर हम लगा रहे रिपीटर, और फिर यहाँ पर लगा रहे रेडस्टोन पूरे में, और दूसरी तरफ में भी हम यहाँ रिपीटर लगा रहे हैं, और फिर पूरे को रेडस्टोन से कवर कर देंगे। मैंने तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडस्टोन लगा दिया है। ये बहुत मजेदार होगा, आज तक किसी ने ऐसे बारिश नहीं की होगी यार, बहुत मजा आएगा देखने में यार पोशंस की बारिश। तो चलो ये लगता है अपना पूरा सेटअप रेडी हो गया, एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ इसे। वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत सही लग रहा है ये। तो अब हमें उसका स्विच नीचे में चाहिए, तो हम इसे नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये गाइस हम लोगों ने स्विच यहाँ पे नीचे ला दिया, जैसे इसे ऑन करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और वहाँ पर हम लोग दीदी के लिए दूसरा स्विच लगा देते हैं। तो ये गाइस अपना यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया रेडी। अभी देखना बहुत मजा आएगा, एकदम स्टेशन जैसा लग रहा है ये, जैसे स्टेशन के ऊपर पुल बनता है ना स्टेशन पार करने के लिए। वही तो यार, पर ये बहुत सुंदर लग रहा है यार, आई बहुत ओपी वाला डिफेंस बन रहा है यार। तुम कृपया ध्यान दे, अभी आपको प्लेटफॉर्म लाइक से प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब पर आना है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे पूरे में पोशन भर देते हैं, और तुम लोग बारिश देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। अरे सारे के सारे वार्डन की बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो गाइस ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरे में पोशंस भर दिया है, बहुत ही गजब की एसिड रेन देखोगे तुम लोग। सच में। तो चलो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रैप सेटअप करते हैं, जो कि होगा एंड क्रिस्टल वाला। यस, एंड क्रिस्टल से वार्डन को बहुत डैमेज मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे एंड क्रिस्टल का सेटअप कर देते हैं, जो कि ऑब्सीडियन के ऊपर में लगता है। बहुत बड़ा लगाएंगे ये वाला हम लोग, थोड़ा सा एक वाला गैप रख देना ताकि हम लोग जाके लीवर तो एक्टिवेट कर पाए। ओके। और ये दीदी ने एंड क्रिस्टल लगाना शुरू कर दिया वहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा है यार दी। यार सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक को फोड़े क्या सारा फूट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना सुंदर लग रहा है यार आयुष। मेरे से गलती तो और जान बुझ के नहीं गया। कोई बात नहीं गाइस, इस तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या दी? हाँ मुझे भी ये लग रहा है, पर ये इतना क्यूट लग रहा है यार आयुष। हाँ बहुत मस्त लग रहा है डांसिंग बॉल। तो गाइस आई थिंक इतना तो बहुत है यार, ट्रैप पे ट्रैप बने जा रहा है यार, मजा ही आ गया। अरे बहुत गजब लग रहा है यार, अभी आगे एक और लेयर हमें कुछ बनाना चाहिए आयुष। हम लोग एक चीज और कर देते हैं। क्या? हम लोग यहाँ पर पूरा एक वर्ल्ड वाला सेटअप बना देते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने ज़ॉम्बी वाले वीडियो में लीवर से उन ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिराया था ना, हमारा जमीन खुल गया था। हाँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर होल करेंगे, हमें इस बार लीवर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और एडवांस मेथड है मेरे पास। क्या चीज है? मैं दिखाता हूँ अभी तुम्हें। यहाँ पर होल कर दो, और बस हमें यहाँ पर लगा देना है एक ट्रैप डोर इस तरीके से। अरे ट्रैप डोर से वो लोग अंदर आ जाएंगे तो? नहीं, ट्रैप डोर से वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर तो वॉइड बना देंगे ना नीचे, तो सीधा वार्डन नीचे जाएगा। ओके मुझे वॉइड से बच के रहना पड़ेगा, वैसे वरना मैं ही जाऊंगी। अरे लास्ट वीडियो में बहुत मजा आया था सच में यार। अब यहाँ पर हम लोग पूरा में वॉइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मस्त लगेगा। और यहाँ पर मैं पूरे में ट्रैप डोर इस तरीके से लगा देता हूँ। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे पूरे में ट्रैप डोर भर दिया, ये एकदम लास्ट रिजॉर्ट है जिसको वार्डन कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो गाइस अपना सेटअप हो गया है पूरा रेडी यार, बहुत सही है।
सही लग रहा है, देखो ना क्या क्या डांसिंग बॉल्स लगा है, यहाँ पे हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो गाइस यार ये सेटअप तो हो गया रेडी। हर बार हम लोग आर्म सूट ड्रेसर भी बनाते हैं, इस बार हम लोग बनाएंगे नहीं, इस बार हम लोग पहन के ही रखेंगे। भाई वार्डन आ रहा है यार, कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए ना, है ना दी? तो सही बात है। पहले तो हम लोग को नेदरराइट का आर्मर चाहिए, जिससे भी कुछ नहीं होने वाला उसे हम लोग को फुल एन्चेंट भी करना पड़ेगा। एक स्वॉर्ड ले लेते हैं। वार्डन के आगे सबसे फालतू चीज कौन सी होती है जो रियल माइनक्राफ्ट में बहुत जरूरी होती है? ऐसी कौन सी चीज है आयुष? अरे यार दी, हर बार शील्ड बड़ा काम आता है, लेकिन वार्डन के आगे शील्ड एकदम फालतू चीज है, इससे बेकार कोई चीज ही नहीं है। ऐसा क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि शील्ड कोई भी चीज से हमें प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाता, वार्डन की जोर से मारता है और वो जो वेव फेंकता है उसे भी शील्ड नहीं रोक पाता, तो हम लोग को शील्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ हम अपने नेदरराइट के टूल्स को प्रोटेक्शन 4 लगा रहे हैं, जिससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस हम लोगों ने अपने नेदरराइट के आर्मर को प्रोटेक्शन 4 से एन्चेंट कर लिया, स्वॉर्ड को भी एन्चेंट कर लिया, बो को भी एन्चेंट कर लिया, और यहाँ पर हम गियर अप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यार यहाँ पर मरने के बहुत हाई चांसेस है, तो चलो देखते हैं हम लोग अपने आयरन गोलम्स का पूरा साथ देने वाले हैं। लेट्स गो। यो, यस, लेट्स गो। तो दिए वार्डन आ गया, लगता है मुझे साउंड आ रहा है। ओ माय गॉड, तो ये वार्डन आयुष बफर फिस उसे काफी मार रही है। ब्लाइंडनेस लग गया है मुझे, भी ब्लाइंडनेस लग गया है। कहाँ है वार्डन? ओ ये रहा। अरे मुझे दिख रहा है, देखो देखो कैसे वार्डन को बफर फिश मारे जा रही है यार। अरे भाई यहाँ पर ये वार्डन अभी तो एक ही आया थी। ओ इस पर लग गया स्पेक्ट्रल एरो, ये देखो कैसे पागल की तरह नाच रहा है। बाप रे बाप, मुझे बहुत डर लग रहा है दी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार। एक ने इतना हंगामा मचा दिया थी, इसके पीछे पूरी आर्मी आ रही है अभी तो। वही तो यार। ओ लगता है ये जब मरेगा तभी पूरी आर्मी आएगी, लगता है आर्मी वाले टेस्ट कर रहे हैं कि अकेला संभाल पाता है क्या। हम लोग का डिफेंस बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ओ ये मर गया, यस यस, बहुत ही सही। अरे यार ये मर गया, पूरी लगता है वार्डन की आर्मी आने वाली है जी। मुझे बहुत सारे आवाज आ रहे हैं, शेट वार्डन आ गए जी। हम लोग आयरन गोलम को छोड़ दो, आयरन गोलम को छोड़ दो, अब टाइम नहीं है। ओ माय गॉड, पूरे आयरन गोलम की आर्मी गई है लड़ने के लिए। हम लोग स्पेक्ट्रल एरोज ऑन कर देते हैं एक बार, तब तो पता चले कि हो क्या रहा है वहाँ पे। ओ हो, पूरा आयरन गोलम पे लग गया है। अरे यार आयरन गोलम आ गया, आ रखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर। अरे वो देखो, वो देखो वार्डन वहाँ पर है, आयरन गोलम मजे से कूट रहा है भी। मेरे ब्लाइंडनेस लग गया, इसका मतलब किसी ने मुझे स्पॉट कर लिया, किसी वार्डन ने। भाई वो मुझे आके कूटेगा, तुम्हें लगा क्या थी ब्लाइंडनेस? अरे हाँ मेरे तो ब्लाइंडनेस ही है। गाइस यहाँ पे फाइट तो बहुत एपिक चल रहा है यार, वार्डन की वाट लगी पड़ी है। ये देखो थूकने के लिए तैयार हो गया है। भाई 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 इसे हम लोग भी थोड़ा सा मारे क्या? ए आयरन गोलम मेरे को मारने लग जाता है यार, ये क्या है? मार रहे होगे ना। अरे यार देखो आयु, देखो सारा आयरन गोलम मर गया है और ये लोग बहुत आगे आ रहे हैं, भाग भाग के। भाई हमारी कैरेक्टर छूटने वाली है। आ मुझे लगा, मुझे लगा, मुझे लगा। ओ शिट 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 शिट, ओ तुमने स्पेक्ट्रल एरोस ऑन कर दिया, बहुत सही काम किया तुमने। यहाँ पर स्पेक्ट्रल एरोस फिर से ऑन करना पड़ेगा। पीछे आ जाती, ये फंसे हुए हैं, अपन बच पा रहे हैं अभी। ओ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, अंदर आ रहा है। भाई बोलो अभी भी कैक्टस से फंसे हुए, और ये क्या कर रहा है आयरन गोलम? ये लोग है कहाँ पे? वो एक को लगा, अरे दूसरे को भी लगा, अरे मेरे क्यों मार रही है? अरे अंदर आ गया दी, अंदर आ गया। ओ दी ये लोग बहुत जोर जोर से बीम फेंक रहे हैं यार। आयुष ये वार्डन देखो यहाँ ऑब्सीडियन के यहाँ दीवार के पास में, ये देखो ये रहा। अच्छा इसका मतलब ओ बाहर से अटैक हो रहा है। अच्छा ओ माय गॉड, ये तो भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाहर से भी अटैक हो रहा है। अरे यार ये लोग बीम पे बीम फेंके जा रहे हैं दी। अरे हो यार ये देखो, मैं तो उन्हें बस बो पे बो चलाया। ये रहा ये रहा, एक वार्डन यहाँ पर है भाई, आना ट्रैप में फंस भाई, इतने मेहनत से बनाया। ओ ये लोग फंस चुके हैं। अच्छा अच्छा दी चल एसिड रेन कर दी जल्दी। ओ यस पूरा एसिड रेन हो रहा है, हम लोग को ढंग से दिख नहीं रहा खाली। अरे यार ये लोग तो बीम पे बीम फेंके जा रहे हैं यार। अरे यार ओह शिट दीप अंदर। ओ ये वार्डन सारे पॉइंट में गिर रहे हैं। दीदी तू मर गई क्या? ओ यहाँ के तो सारे वार्डन पॉइंट में गिर गए यार, मजा किया।
एक वार्डन या दीवार के पास में जो मुझे मारे जा रहे हैं, मैं बता रही हूं। रुको, हम लोग उसे क्या करते हैं, हम लोग ऊपर चढ़ के मारते हैं यहाँ पर जो हम लोग किए थे, यहाँ पर चलते हैं देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, इसने मेरे को ऊपर में मारा, मैं ऊपर में चढ़ा हुआ हूँ, ये देखो यहाँ पर। ओह अब तुम्हें दिख रहा है, ये देखो नीचे में है ये। हाँ, मुझे दिख रहा है। ओह शिट यार, ये वार्डन तो बहुत खतरनाक होता है। अबे कहाँ से मार रहा है ये भाई, इतना ज्यादा अजीब तरीके से मारेगा ये, मैंने भी सोचा भी नहीं था। क्या मुझे बाहर फेंक दिया है इसने, तुम्हें पता है मैं आ रहा हूँ, यहाँ के सारे पफर फिश तैसे भी मर चुके हैं। अरे यार यहाँ पे तो भाई बहुत ही खराब पड़ी है। और मेरे पीछे ही वार्डन था, और मेरे पीछे ही है ये। ये देखो ना, ये रहा यहाँ पर वार्डन से लड़ना भाई बहुत मुश्किल काम है यार। और ये भीम फेंकेगा, अभी ये भीम फेंकेगा, हालत पूरी टाइट हो गई है यार। अरे अरे पोशन सारे खत्म हो गए हैं दी, तू पोशन मत चला, एंड क्रिस्टल सारे फूट गए, एंड क्रिस्टल। ओह माय गॉड, अरे अरे दीदी आज तू कहाँ है, पूरा एक वार्डन वहां पे। अब एक ही वार्डन बचा है दी। ओह माय गॉड, सारे के सारे ट्रैप ये लोग इतना आसानी से, मतलब ट्रैप भी क्या, ये लोग दीवार की उस तरफ से मार रहे हैं यार, ये लोग गलत क्या है। वार्डन इतना होशियार कब से हो गया मुझे समझ नहीं आ। लेकिन जैसे तैसे फिर भी हम लोग जीत ही रहे हैं यार, अभी बस एक से ही लड़ना है, इतना हंस क्यों रही है। फिर से मेरे डार्कनेस छा गया है भाई, मैं ऐसा कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रल एरो मार रहा हूँ भाई। चला जा भाई, ये ले फूल ले ले भाई। चला जा, उसको फटाफट मारो दी, मैं तेरे मारू क्या। ओह शिट, ओह भाई यार ये बहुत जोर जोर से मारता है यार, इसे खत्म करो यहाँ पे, मार मार के खत्म करो आयुष इसे। अब इसने अगर ये कॉबवेब पार कर लिया ना, बस थोड़ा सा बाकी है, हमारी बैंड बजेगी बहुत बुरी तरीके से। कोई नहीं, मैं ऐसे भी वॉइड में गिर चुकी आयुष। वो भी दो तीन बार। आयुष देखो मैं इसके पास जाके इसे मार रही हूँ, मेरे में दम देख रहे हो। और क्योंकि ये मेरे को मार रहा, मैंने मार दिया। यार सच में बहुत मजा आया, ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ आज की वीडियो में, बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन प्लेजर इतने एपिक नहीं होते, उनको तो हम लोगों ने आराम से लास्ट वीडियो में हरा दिया था, जो वीडियो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, तुम लोग अभी जाके देखो उसको। तो गाइस हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय बाय।